हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर होम्योपैथिक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्दन के दर्द के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रात में तकिया ऊंची लगा करके सोना या बेढंग होकर बैठकर टीवी देखना या सोफे पे बैठकर के मोबाइल चलाना या गर्दन झुकाकर कोई भी काम करना या बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहना, इन सभी दिक्कतों की वजह से हमें गर्दन में पेन होने लगता है। अक्सर करके ये पेन सुबह उठते वक्त होता है, जिससे हमारी गर्दन और पूरी पीठ अकड़ जाती है और ये पेन इतना ज्यादा होता है कि जब तक हम लोग पेन किलर ना खाएं तब तक आराम नहीं मिलता। और अदर चिकित्सा पद्धति में कोई भी पेन किलर दवा खाते हैं तो जब तक पेन किलर का असर होता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही दर्द का पेन किलर का असर खत्म होता है दर्द फिर से शुरू हो जाता है। इसमें दर्द आपको कंधे में, गर्दन में और सर के ऊपरी हिस्से तक पूरा खिंचाव होता है, स्टिफनेस वगैरह भी होती है और गर्दन घुमाने में भी दिक्कत होती है। तो दोस्तों, आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे चले जाएं और उसे ये फोटो दिखा दें। पहली दवा का नाम है रस्टॉक्स 30 पोटेंसी, दूसरी दवा का नाम है कॉस्टिकम 30 पोटेंसी। ये दोनों दवा आपको दो बूंद सुबह में, दो बूंद रात में टंग डोज में लेना है। सुबह से शाम तक दो डोज लें, आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन रेगुलर ये दवा एक हफ्ते तक खानी है। आपकी नेक की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और दोबारा गर्दन की दर्द भी नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ आप थोड़ा सा फ्लैट जगहों पर, जैसे कि नीचे पक्कों पर, थोड़ा देर आराम करें और बिल्कुल सीधा बिना तकिया लगाए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।